नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DCS Basic Physics में। आज के इस वीडियो में हम नीट IIT मेन के लिए तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम अध्ययन करेंगे पूरक मात्रकों के बारे में, साथ में हम लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मूल मात्रकों के अलावा अन्य मात्रक कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में इन टॉपिकों पर आधारित जो क्वेश्चंस है वो किस तरीके से पुट किए जा सकते हैं उसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, हमने पहले पार्ट में देखा था कि भौतिक राशियों के मूल मात्रक कौन कौन से होते हैं, मूल भौतिक राशियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। दूसरे वीडियो में हमने मूल मात्रकों के अलावा जो मात्रक होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया था, अर्थात हमने व्युत्पन्न मात्रकों के बारे में जानकारी दी थी। आज के इस वीडियो में जो मात्रक का सेंस पार्ट है, पूरक मात्रक है, उसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। साथ में लंबाई, द्रव्यमान और समय के विभिन्न मात्रकों के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलते रहे। विद्यार्थियों, हमने जो वीडियो तैयार किए हैं या हम जो वीडियो तैयार कर रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के हिंदी मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए काफी उपयोगी सिद्ध होंगे, और जो विद्यार्थी आराम से धीरे धीरे सीखना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि हम संपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन करवा रहे हैं, बीच में से कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं जा रहा है, एक एक को समझाते हुए हम आपको पूरा सिलेबस करवा रहे हैं। बने रहिए, अब स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे यहां पर पूरक मात्रक सप्लीमेंट्री यूनिट्स की। विद्यार्थी, हुआ क्या कि मूल मात्रकों के अंदर हमने सात मात्रकों को सम्मिलित किया, फिर व्युत्पन्न मात्रकों के अंदर देखिए कि जो मूल मात्रकों के पदों में लिखे गए तो उनके आधार पर उनको हमने व्युत्पन्न मात्रक कह दिया, लेकिन कुछ ऐसी राशियां प्राप्त हुई जिनका मात्रक तो नहीं होता। जैसे हम मूल मात्रकों के टर्म्स में उनको लिखेंगे तो उनके कोई मात्रक नहीं होंगे, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके मात्रक की जरूरत समझी और उनको बाद में मात्रकों में जोड़ा गया, इसलिए उन भौतिक राशियों को पूरक भौतिक राशियां तथा उन मात्रक उनकी जो मात्रक है उनको हम पूरक मात्रक कहते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। ये दो भौतिक राशियां होती है। पूरक भौतिक राशियां कौन कौन सी होती है? एक तो समतल कोण और दूसरी है घन या ठोस कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन, ये एक पूरक मात्रक है। तो पूरक मात्रक कितने होंगे? दो होंगे। समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन और घन कोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन। तो रेडियन और स्टेरेडियन पूरक मात्रक होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तो पूरक मात्रक कितने होंगे? दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। पूरक मात्रक दो होंगे। पहला जो पूरक मात्रक है वो हमारे पास में है रेडियन। कौन सा मात्रक है? रेडियन। आर डी से इसको पुट करेंगे। देखिए, ये जो रेडियन है वो समतल कोण का मात्रक होता है। भौतिक राशि क्या है? समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक है वो क्या है? रेडियन है। समतल कोण का मात्रक क्या होगा? रेडियन होगा। क्लियर? अब देखिए, समतल कोण के बारे में हम चर्चा करें कि हम एक रेखा लेते हैं इस तरीके से, उसके किसी एक बिंदु को स्थिर रखते हुए यदि इस रेखा को थोड़ा सा घुमा दें तो ये इस तरीके से हमें प्राप्त होगी, इस तरीके से हमें मिलने वाली। तो इस रेखा की जो लंबाई है वो चेंज नहीं हो रही है। जैसे हमने इसको R ले लिया, क्या ले लिया? R ले लिया। जो बिंदु स्थिर है इसको हमने O कह दिया, इसे हम A और B नाम दे देते हैं। A से B तक की जो डिस्टेंस है उसको हम S से लिखते हैं, इसे चाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चाप। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं इनके द्वारा बिंदु O पर जो अंतरित कोण है उसको हम थीटा से लिख रहे हैं। किससे पुट किया जाता है? थीटा। यही दोनों रेखाओं के बीच में जो ज्यामिति उसको हम कोण कह रहे हैं, समतल कोण कह रहे हैं, और इसी का मात्रक होता है रेडियन। इसी का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। देखिए, रिलेशन है कोण बराबर। कोण बराबर क्या होता है? चाप बट्टे में त्रिज्या। चाप बट्टे में त्रिज्या। तो कोण को हम थीटा से पुट करते हैं, चाप को एस से पुट करते हैं, त्रिज्या को आर से लिखते हैं। तो थीटा बराबर क्या आ गया? चाप बट्टे में त्रिज्या, एस अपॉन में आर। क्लियर? अब देखिए, मैं यदि परिभाषित करूं कि भाई इस कोण का जो मात्रक होता है वो क्या होगा,
जैसे हमने मूल मातृकों के पदों में हम इसको लिखकर यदि इसका मातृक निकाले तो इसका मातृक क्या होगा, देखिए कि एस यहां पर चाप है, चाप यहां पर ए और बी के बीच की डिस्टेंस है, तो ये मीटर में, त्रिज्या भी किसमें, मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, थीटा का तो कोई मात्रक नहीं हुआ, थीटा तो एक मात्रकहीन राशि प्राप्त हुई। तो फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि मात्रकहीन तो नहीं हो सकती, क्योंकि अलग अलग जगह पर इसका जो मान है वो अलग अलग आता है, इसको भी मापना जरूरी है, इसका भी मात्रक होना आवश्यक है, तो इसका मात्रक बाद में जोड़ा गया, इसका मात्रक रेडियन लिया गया। क्या लिया गया? रेडियन लिया गया। चलिए अब हम इस थीटा का मात्रक क्या है, रेडियन, इसको परिभाषित करते हैं। यदि एस और आर दोनों क्या हो, एस और आर दोनों क्या हो, बराबर हो, तो ये तो इससे कट जाएंगे, एक आ जाएगा। एस और आर जब बराबर होंगे तो क्या होएगा, एस और आर जब बराबर हो तो थीटा बराबर कितना आ गया, एक आ गया, इसका मात्रक होता रेडियन, आर ए डी से पुट करेंगे, किससे लिखा जाएगा, आर ए डी से। तो जब किसी चाप और त्रिज्या का मान बराबर होता है तो उनके द्वारा बना जो कोण है वो एक रेडियन के इक्वल होगा, जब चाप और त्रिज्या की लंबाई सेम हो तो। क्लियर, ये तो हमने एक तरीके से इसको परिभाषित कर दिया है। आपको ये ध्यान रखना रेडियन किसका मात्रक होता है, समतल कोण का, या सिर्फ हम उसको कोण कहें तो भी चल जाएगा, आर ए डी से इसको पुट करेंगे। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम समतल कोण या कोण का मात्रक पढ़ते आए हैं, छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है डिग्री, क्या पढ़ा है, डिग्री आपने पढ़ा होगा, जैसे 40 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ऐसा पढ़ा है, कोण का मात्रक आपने डिग्री के अंदर पढ़ा है। तो एक अन्य मात्रक इसका क्या होता है, डिग्री होता है। तो जो समतल कोण है इसका एक अन्य मात्रक होता है डिग्री, समतल कोण का एक अन्य मात्रक क्या है, डिग्री होता है। इस डिग्री के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे, थोड़ी सी रिलेशन देखेंगे, जो रेडियन और डिग्री है इसके बीच में क्या संबंध होता है। देखिए संबंध देख लीजिए, क्या रिलेशन होता है, पाई रेडियन बराबर होता है, पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, पाई रेडियन किसके इक्वल आ गया है, 180 डिग्री के इक्वल आ गया है, ये रेडियन और डिग्री के मध्य संबंध हो गया है। विद्यार्थियों देखो यहां से यदि हम देखें कि भाई एक रेडियन कितना हो जाएगा, एक रेडियन किसके तुल्य हो जाएगा, तो वो यहां पर देख लीजिए, एक रेडियन ये बराबर हो जाएगा 180 बट्टे में पाई डिग्री के, डिग्री को हम ये छोटा जीरो लगाकर लिख रहे हैं। क्लियर, जानते होंगे ये तो सब कुछ, ये रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन हो गया, इसको आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में इसको फिट बैठा लीजिए, बार बार यूज में आएगा, यूज में आता ही रहेगा, तो ये तो आपको रिलेशन ध्यान में रखना ही है। क्लियर, अब देखो इसे हम क्या कह सकते हैं कि पाई का मतलब कितना होता है, 3.14, लगभग बार इसका कितना होता है, 3.14, 3.14 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो ये हमारे पास में कितना आएगा, 57.296 डिग्री आ जाएगा। तो एक जो रेडियन है वो 57.296 डिग्री के इक्वल होता है। क्लियर, देखो आपको कुछ रिलेशन ध्यान में रखने हैं कि जैसे 2π किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के, पाई किसके बराबर मैंने बता दिया, 180 डिग्री के, इसी प्रकार से π/2 किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के, इसी तरीके से π/4 किसके बराबर हो जाएगा, 45 डिग्री के, ऐसे ही होगा। क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए। ऐसे ही π/6 करें, π/6 करें तो वो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, π/6 किसके बराबर हो गया है, 30 डिग्री के बराबर हो गया। इसमें पाई का मतलब 180 डिग्री, इसमें 6 का भाग लगेंगे तो 30 ही तो आएगा, कितना आएगा, 30 आएगा। तो ये रिलेशन बार बार यूज में आते रहेंगे, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्लियर, समझ में आ गया, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों ये जो डिग्री होती है इसको हम एक अन्य छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर देते हैं। एक जो डिग्री होती है वो 60 आर्क मिनट के बराबर होती है, किसके तुल्य हो गई है, 60 आर्क मिनट में, यहां पर पुट कर रहा हूं, देखो समझना, एक जो डिग्री है वो किसके बराबर है, 60 आर्क मिनट, ये मैंने एक डेस लगाया, इसका मतलब ये है मिनट को रिप्रेजेंट करता है। और जैसे एक घंटे में 60 मिनट होती है, एक घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट,
यहां पर भी मिनट है लेकिन उस मिनट को हम कह रहे हैं आर्क मिनट, आर्क मिनट चाप वाली मिनट है, कोण वाली मिनट है, और एक डिग्री के अंदर कितना होता है 60 आर्क मिनट होती है, 60 आर्क मिनट होती है, 60 आर्क मिनट होगी। क्लियर। इसके साथ में आप देखें एक जो आर्क मिनट होती है, एक आर्क मिनट इसमें 60 आर्क सेकंड होते हैं, क्या होंगे 60 आर्क सेकंड होंगे। क्लियर। तो एक डिग्री को 60 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो एक आर्क मिनट आ जाएगा, और एक मिनट को 60 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो एक आर्क सेकंड आ जाएगा। क्लियर। अब मैं यहां पर रेडियन और आर्क मिनट में, रेडियन और आर्क सेकंड में रिलेशन आपको बताने वाला हूं। एनसीईआरटी की जो पाठ्यपुस्तक है उसके एग्जाम्पल है ये, तो आपको ये स्पेशली ध्यान में रखने दोनों ही रिलेशन। मैं एक बार इसको यहां से हटा देता हूं, ये यदि आपको पता है तो इजी वे में आपको समझ में भी आ जाएगा। चलिए देख लीजिए कि हम क्या चाह रहे हैं, एक जो आर्क मिनट होता है वो कितने रेडियन के बराबर होता है। यहां से देख लीजिए, एक जो आर्क मिनट है, एक आर्क मिनट ये बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, एक बट्टा 60 डिग्री, एक बट्टा 60 डिग्री के। एक जो आर्क मिनट है वो किसके बराबर है, एक आर्क मिनट बराबर है एक बट्टा 60 डिग्री के। और मैं डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूं तो डिग्री यहां से देख लीजिए, इस रिलेशन से देखो कि एक जो डिग्री होती है वो बराबर होती है पाई बट्टे में 180 रेडियन के, पाई बट्टा 180 रेडियन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक डिग्री किसके इक्वल हो जाएगी, पाई बट्टे में 180 को इधर डिवाइड कर दिया तो एक डिग्री किसके बराबर होगी, पाई बट्टे में 180 रेडियन के इक्वल होगी। मुझे क्या चाहिए, एक आर्क मिनट कितने रेडियन के बराबर होता है, तो एक आर्क मिनट बराबर होता है एक बट्टा 100, एक बट्टा 60 डिग्री के, एक बट्टा 60 डिग्री। देन यहां से क्या जाएगा, डिग्री की जगह में क्या लिख सकता हूं, पाई बट्टे में 180 भी, पाई बट्टे में 180 पुट कर देंगे तो एक बट्टा 60 तो पड़ा ही है, पाई बट्टे में 180 ये रेडियन में, ये किसमें आ गया रेडियन में आ गया। अब यदि मैं इसको कैलकुलेट करूं कि पाई का मान होता 3.14, 60 का इसमें भाग लगाऊं, 180 का इसमें भाग लगाओ, देन हमें देखो क्या मिलेगा, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन ये मिलने वाला है। तो ये रिलेशन आ गया है, एक आर्क मिनट किसके तुल्य होगा, 2.91 × 10⁻⁴ रेडियन के इक्वल होगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, और साथ में देख लीजिए एक आर्क सेकंड, एक आर्क सेकंड, एक आर्क सेकंड किसके बराबर होगी, एक बट्टा 60 आर्क मिनट, एक बट्टा 60 आर्क मिनट के इक्वल होगी। देखो ना यहां पर ये देख लीजिए, क्योंकि यहां पर आर्क सेकंड है तो इधर हम भाग लगा देंगे 60 का, तो एक बट्टा 60 आर्क मिनट के इक्वल होगा। अब एक बट्टा 60 आर्क मिनट के स्थान पर एक मिनट किसके बराबर होती है, एक आर्क मिनट बराबर होती है इसके, मतलब एक बट्टा 60 गुणा पाई बट्टे में 180 ये रेडियन के इक्वल आ गया। क्लियर। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे, इसे आप जब सोल्व करोगे तो देखिए 4.85 × 10⁻⁶ रेडियन प्राप्त होगा। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। तो ये हो गया है हमारा एक पूरक मात्रक, जिसमें हमने पूरक मात्रक होता क्या है, ये हमने पूरक मात्रक में समतल कोण का एक जो मात्रक है रेडियन, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली। इतनी जानकारी आपको आवश्यक है, जरूरी है। यहां तक समझ में आ गया। फिर हम इसका जो सेकेंड पार्ट है वो देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो पूरक मात्रक है वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अब देखिए विद्यार्थियों, स्टेरेडियन घन कोण या ठोस कोण का मात्रक होता है। घन कोण कह सकते हैं,
फोर्स कोण कह देते हैं। ये किसका मात्रक है? घन कोण का मात्रक है। घन कोण कह दीजिए, इसे हम फोर्स कोण कह देते हैं। अंग्रेजी में इसको सॉलिड एंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉलिड एंगल का ये मात्रक होता है। ये इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? देखिए कि कोई क्षेत्रफल है, हमारे पास में क्या है? कोई क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण होता है, ये हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है, ये वाला, ये क्या है? कोई क्षेत्रफल है। और इस क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर जो अंतरित कोण होता है, उसी को हम कहते हैं ठोस कोण। ये जो एंगल है, इसी को हम क्या कहेंगे? ठोस कोण कहेंगे, घन कोण कहा जाएगा। ये क्या है? ठोस कोण या घन कोण होता है। क्लियर? इसे जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल अल्पांश के रूप में है, छोटा क्षेत्रफल है डीए, छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, तो क्षेत्रफल को हम एरिया ए से पुट करते हैं, छोटे से क्षेत्रफल को डीए से पुट कर देंगे। किससे पुट कर देंगे? छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित जो कोण होता है, उसको भी हम छोटी फॉर्म में ही पुट करेंगे, डी ओमेगा से पुट करेंगे। देखो आपने कक्षा 10 में ये जो सिंबल है वो ओम के लिए यूज में लिया, यहां पर हम बोलेंगे इसको ओमेगा। ओमेगा ऐसे भी पढ़ा हमने, ये भी ओमेगा ही है, बोलने में इसको भी क्या बोला जाएगा? ओमेगा ही बोला जाएगा। क्लियर? तो डी ओमेगा, छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित जो कोण है, उसको हम किससे पुट करें? डी ओमेगा से पुट करें। क्लियर? अब देखें तो इस क्षेत्रफल के द्वारा, ये जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, इसके द्वारा इस बिंदु पर अंतरित जो कोण है वो है डी ओमेगा, और यही है घन कोण या ठोस कोण। क्लियर? अब यहां पर हम परिभाषित करते हैं कि भाई इसका मात्रक किस तरीके से लिखेंगे। तो मात्रक के लिए इसका एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं, ठोस कोण बराबर क्या होता है। ठोस कोण का सूत्र होता है कि त्रिज्या की दिशा में, यहां से इस क्षेत्रफल की जो डिस्टेंस है वो है आर, इस त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल का अल्पांश। तो ये क्षेत्रफल इस तरीके से इस डायरेक्शन में है डी ए, इस त्रिज्या की दिशा में, त्रिज्या आर के भी इस दिशा में है, इस दिशा में क्षेत्रफल हो जाएगा डी ए कोस थीटा, यदि इसके बीच का एंगल थीटा होता है। ये जो थीटा है वो क्या है? डी ए व आर के मध्य का कोण है। ये देख लीजिए एक बार, डी ए आप देख रहे हैं, क्षेत्रफल सदिश वे क्षेत्रफल के लंबवत होता है। इस लाइन को भी दिमाग में फिट बिठा लीजिए। ये जैसे हमारे पास में कोई क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? क्षेत्रफल के सदैव लंबवत होता है। क्षेत्रफल और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां पर ये जो क्षेत्रफल है उसके ठीक लंबवत दिशा में, तो ये है क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश का इस डायरेक्शन में घटक, देखो घटकों में वियोजन, सदिशों का घटकों में वियोजन समझ लीजिए। जो सदिश होता है उसका जो भी एंगल होता है उसको कोस में हम पुट कर देंगे, ऐसे आगे हम पढ़ेंगे, बट यहां पर जरूरत पड़ रही है घटकों में वियोजन। तो इसका इस डायरेक्शन में जो मान होता है वो डी ए कोस थीटा होता है। एक बार दिमाग में फिट बैठा लो आप, डी ए कोस थीटा होता है, आगे ये समझ में आ जाएगा। तो डी ए कोस थीटा बट्टे में त्रिज्या का वर्ग, तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला है ये है ठोस कोण का, घन कोण का फॉर्मूला है, सूत्र है। अब देखें इसको हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल तथा त्रिज्या का वर्ग जब बराबर होता है तो ठोस कोण का मान एक स्टेरेडियन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? यदि क्षेत्र त्रिज्या की दिशा में क्षेत्रफल तो डी ए कोस थीटा हो गया, इसका मान त्रिज्या के वर्ग के यदि बराबर होता है तो ये दोनों तो कट जाएंगे, तो वो जो कोण होता है, ठोस कोण होता है, वो किसके इक्वल होगा? एक स्टेरेडियन के इक्वल होगा, एक स्टेरेडियन के तुल्य होगा। किसके तुल्य होगा? एक स्टेरेडियन के इक्वल होगा। क्लियर? अब देखो यहां तक समझ में आ गया, इसकी ज्यादा जरूरत तो नहीं पड़ेगी हमारे फिजिक्स में, बट एक बार एक दो जगह जरूर आए इसकी आवश्यकता होगी कि किसी एक बिंदु पर अंतरित जो अधिकतम जो कोण होता है, घन कोण होता है, वो 4π का होता है। एक बिंदु के ऊपर कितना कोण अंतरित हो जाएगा? ठोस कोण। जैसे इस तरीके से कोई गोला है, और गोले के द्वारा जैसे ये हमारे पास में छोटा हिस्सा लिया हमने, तब तो ये वाला आ ही जाएगा, आर हो गया, क्षेत्रफल इधर हो गया, ठीक है।
आर भी उसी दिशा में ही हो गया, बट इस पूरे के पूरे क्षेत्रफल के द्वारा इस बिंदु पर अंतरित जो घनकोण होता है वो 4π होता है। तो किसी एक बिंदु पर अंतरित संपूर्ण घनकोण कितना होता है? संपूर्ण घनकोण 4π स्टेरेडियन होता है। कितना होता है? 4π स्टेरेडियन। कितना होगा? 4π स्टेरेडियन के इक्वल होगा। क्लियर? तो विद्यार्थियों, ये था आज जो पूरक मात्रक है उसका सेकंड पार्ट, स्टेरेडियन। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे यहां पर लंबाई के विभिन्न मात्रक। वैसे हमने लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर पढ़ लिया है, इसके अलावा हम लंबाई के कौन से मात्रक यूज में लेते हैं अपने डेली लाइफ में वो भी देख लीजिए। छोटे मात्रकों की बात करते हैं तो हम सेंटीमीटर यूज में लेते हैं, मिलीमीटर यूज में लेते हैं, ये तो हम लेते ही हैं। एक जो मीटर होता है उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये हम जानते हैं, पहले से ही जानते हैं, उनके बारे में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसके अलावा वृद्ध मात्रकों की बात करें तो हम किलोमीटर में मापते हैं, डिस्टेंस को किसमें मापते हैं? किलोमीटर में मापते हैं। तो एक जो किलोमीटर होता है उसमें 1000 मीटर होता है, ये आप जानते हैं। अब मैं थोड़े से जो मात्रक फिजिक्स में यूज में आते हैं, बार बार यूज में आएंगे, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। जैसे हमारे पास में कुछ मात्रक है वो आपको ध्यान में रखने हैं। पहला जो मात्रक है वो हमारे पास में है फर्मी। फर्मी ये साइंटिस्ट के नाम पर है, 10^-15 मीटर की इक्वल होता है। एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम, एक जो एंगस्ट्रॉम होता है वो 10^-10 मीटर के बराबर होता है, 10^-10 मीटर के बराबर होता है। अक्षरे मात्रक, एक अक्षरे मात्रक, एक अक्षरे जो मात्रक होता है वो 10^-13 मीटर के इक्वल होता है। एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर भी इसको हम कह देते हैं, तो एक जो माइक्रोन होता है वो 10^-6 मीटर के इक्वल होगा। ये तो हमने काफी छोटे मात्रकों की यहाँ पर चर्चा की, बार बार यूज में आते हैं इसलिए आपको ध्यान में रखना है। माइक्रोमीटर आ जाता है, तो देखो कई बार नैनोमीटर का मतलब होता है 10^-9 मीटर, एक पिकोमीटर आ जाता है तो 10^-12 मीटर हो गया। माइक्रो दो बार आ गया, एक माइक्रो का मतलब होता है 10^-6 मीटर, दो माइक्रो आ रही है माइक्रोमीटर, इट मीन्स हो गया 10^-12 मीटर, 10^-12 मीटर। वैसे हमने इन्हीं टॉपिकों के वृद्ध वीडियो बना रखे हैं, डिटेल से इनको समझा रखा है, कक्षा 11 की जो वीडियोज है उनमें आप जाकर देख सकते हैं, कक्षा 11 के सिलेबस में जाकर आप उनको डिटेल से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसे मात्रकों की यहाँ पर चर्चा करता हूँ जो एग्जाम में सीधे पूछे जाने की संभावना है, पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, सीधे आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए कौन से होंगे, मैं बात करता हूं यहां पर सर्वप्रथम खगोलीय मात्रक। सर्वप्रथम मैं कौन सा ले लेता हूं, चलिए इधर ले लेते हैं, हम ले रहे हैं यहां पर सर्वप्रथम खगोलीय मात्रक। बोर्ड पर ध्यान देंगे, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक, इसको हम AU से पुट करते हैं। किससे लिखा जाता है? AU से। अब देखो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय मात्रक कहलाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होती है, पृथ्वी का जो पथ होता है वो दीर्घवृत्ताकार होता है। ये आपके पास में क्या है? सूर्य, और पृथ्वी इस तरीके से चक्कर लगाती है। ये क्या लगा रही है? चक्कर पृथ्वी। तो ये दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो लगातार चेंज होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है वो बदलती है, दीर्घवृत्ताकार पथ पर पृथ्वी चक्कर लगाती है इसलिए। तो जो खगोलीय मात्रक होता है वो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी। इसकी डेफिनेशन तो क्या है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी, सूर्य के बीच की औसत दूरी है ये।
औसत दूरी माध्य दूरी, ठीक है। अब पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी होती कितनी है, तो देखिए ये भी कुछ विधियां हैं, लंबन विधि है, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो उन विधियों के जरिए, ऐसा नहीं है कि भाई पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसको फीता लगाकर नाप लिया, ऐसा नहीं। अब जैसे देशों के बीच की डिस्टेंस है, समुद्रों की लंबाई है, ग्रहों पिंडों की जो डिस्टेंस है वो कैसे ज्ञात करते हैं, कुछ ना कुछ मेथड लगाते हैं, उन मेथडों का प्रयोग करके हम वृद्ध दूरियों का मापन कर लेते हैं, सूक्ष्म दूरियों का भी मापन कर लेते हैं। तो लंबन विधि होती है, सूक्ष्म दूरियों का मापन करने के लिए अलग विधि होगी, वृद्ध दूरियों का मापन करने के लिए हम लंबन विधि का प्रयोग करते हैं। उनकी सहायता से डिस्टेंस ज्ञात की गई और एक जो खगोलीय मात्रक होता है, एक जो AU होता है, वो बराबर होता है 1.496 × 10^11 मीटर के, और इसे हम लगभग क्या कर देते हैं, 1.5 × 10^11 मीटर, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर होता है। लगभग डिस्टेंस कितनी होती है, 15 करोड़ किलोमीटर। जो सशस्त्र जो जन पर भानु लीलोता ही मधुर फल जानु, जो हनुमान चालीसा है उसमें भी पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो औसत दूरी है उसका सटीक आंकलन किया गया है, ठीक है। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो डिस्टेंस है, जो हनुमान जी हैं वो सूर्य को फल समझकर खा जाते हैं, तो उसमें हनुमान चालीसा में लिखा गया है कि पृथ्वी तथा सूर्य, जो सूर्य है वो जुग सशस्त्र जोजन के ऊपर मौजूद है, यदि उनको हम कन्वर्ट करें मीटर में तो वो इसकी तुल्य ही आता है, 1.496 × 10^11 मीटर के इक्वल आता है, जिसे हम लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं, 1.5 × 10^11 मीटर कह सकते हैं, क्लियर। अब हम ऐसे ही एक दूसरे मात्रक की ओर बढ़ते हैं। दूसरा जो मात्रक है वो है प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, इसको अंग्रेजी में हम लाइट ईयर कहते हैं। क्या कहा जाता है, लाइट ईयर, एल वाई से इसको पुट करेंगे, एल वाई है क्या, प्रकाश वर्ष नाम से इसे लगता है जैसे कोई वर्ष हो, समय का मात्रक हो, बट ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, ये एकदम क्लियर कर लेना, ये किसका मात्रक है, सीधा कई बार छोटी कंपटीशन एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लंबाई का, द्रव्यमान का, समय का, तो हम कई बार समय करके आ जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है, वृद्ध दूरी का मात्रक है। होता क्या है, किसकी तुल्य होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, एक वर्ष में तय जो दूरी है उसी को ही हम क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष कहते हैं, एक लाइट ईयर इसे कहा जाता है, क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए। तो देखिए विद्यार्थी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दूरी बराबर हम क्या कर सकते हैं, दूरी बराबर हम क्या जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, दूरी बराबर हम जानते हैं चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो एक जो लाइट ईयर है, एक लाइट ईयर चाल, प्रकाश की चाल कितनी, 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड। समय कितना, एक वर्ष, समय कितना है, एक वर्ष। तो जो एक वर्ष है उसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं, तो यहां पर एक वर्ष वैल्यू रख दूं मैं, एक वर्ष सेकंडों में कन्वर्ट कर देता हूं। अब देखो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो ये तो घंटे आ गए, 365 × 24 से गुणा कर दे, क्या आ गया, घंटा। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड, ये आ गया हमारे पास में समय। एक वर्ष को हम सेकंडों में कन्वर्ट करें तो 365 × 24 × 60 × 60 के इक्वल होता है, क्लियर। अब यदि इन सबको मल्टीप्लाई करें देन हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइट ईयर मिल जाएगा 9.46 × 10^15 मीटर। ये आ गया विद्यार्थियों, आ चुका है, क्या आ गया है, एक प्रकाश वर्ष आ गया है, एक प्रकाश वर्ष किसके तुल्य होता है, ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब हमें एक लंबाई के, देखो आपको सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें कई बार कि एक प्रकाश वर्ष किसके इक्वल होता है, तो 9.46 × 10^15 मीटर है, प्लस में है, तो ऑप्शन में क्या मिलेंगे, तीन ऑप्शन गलत मिलेंगे, एक ऑप्शन आपको सही मिलेगा, देन आप क्या कर सकते हैं, ये इसको कई बार इस फॉर्म में भी लिख देते हैं, ये जो है ना
पाई स्क्वायर के रूप में भी कई बार मिल जाता है, तो पाई स्क्वायर इंटू 10^15 मीटर भी कर देते हैं इसको, क्योंकि पाई का मान 3.14, लगभग ये 3.14 के स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो इसको इस फॉर्म में भी मिल जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय तो हमारे को ध्यान रखना ही है, कई बार इसको सीधे ही ऑप्शन में देकर हमें पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इसको क्लियर करके रखना है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लंबाई का एक मात्रक यहां पर हम और देख लेते हैं, वो हमारे पास में है पारसेक। तीसरा जो मात्रक है वो कौन सा है, पारसेक है। देखिए एक पारसेक इसके इक्वल होता है, ये समझ लीजिए कि एक खगोलीय मात्रक चाप के द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित यदि कोण एक आर्क सेकंड का है, तो जो त्रिज्या है ना वो ही किसके बराबर है, पारसेक के इक्वल है। देखो समझना, ये हमारे पास में समतल कोण है, और यदि यहां से ये जो चाप है ए से बी तक, वो यदि एक एयू के बराबर है, किसके इक्वल है, एक एयू के बराबर है, और इस पर अंतरित इस चाप एबी के द्वारा अंतरित जो कोण है वो एक आर्क सेकंड का है, एक आर्क सेकंड का है, इसे हम एक डबल डैश से पुट कर देंगे, देन ये जो त्रिज्या है ये एक पारसेक के इक्वल होगी, किसके तुल्य होगी, एक पारसेक के इक्वल होगी, एक पारसेक के तुल्य होगी। बताओ समझ आया कि नहीं आया, यहां तक आ गया समझ में। चलिए एक बार फिर से देखो कि यदि एक एयू के बराबर है, एक खगोलीय मात्रक के बराबर यदि कोई चाप है और उसके द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित जो कोण है वो एक आर्क सेकंड है, देन जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, एक पारसेक के इक्वल हो जाएगी। अब एक पारसेक कैसे निकाल लेंगे आप, एक जो पारसेक है, देखो कोण बराबर क्या जानते हैं आप, कोण बराबर चाप बटे में त्रिज्या, यही जानते हैं। यहां पर हमारे को क्या मिल जाएगा, त्रिज्या बराबर मिल जाएगा चाप बटे में कोण। देखो ध्यान देना, तो चाप तो कितना है, चाप कितना है विद्यार्थियों, चाप हमारे पास में एक एयू के बराबर, चलिए सबकी वैल्यू पुट कर दे दो, त्रिज्या तो कितनी है पारसेक, तो एक पारसेक बराबर आ गया हमारे पास में, चाप कितना एक एयू, कोण कितना एक सेकंड, एक एयू किसके बराबर होता है 1.496 इंटू 10^11, अरे यही तो होता है, इतना मीटर ही तो पता है हमने, एक जो सेकंड होती है, एक आर्क जो सेकंड होती है वो किसके इक्वल पड़ी हमने 4.85 इंटू 10^-6। अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहां से इसमें हम भाग लगा देते हैं, कैलकुलेट करेंगे, देन हमें मिल जाएगा 3.08 × 10^16 मीटर। इसका रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है, रिजल्ट क्या करोगे, दिमाग में फिट रखोगे, क्लियर। तो ये तीन जो मात्रक मैंने बताया आपको, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष और पारसेक, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, क्लियर, समझ में आ गया। मैं कुछ और मात्रकों की बात करता हूं, जैसे मकान निर्माण करने वाले कौन से मात्रक का प्रयोग करते हैं, पिठ में लंबाई को मापते हैं, किसमें मापेंगे, वो मीटर में नहीं मापेंगे कि भाई ये जो कमरा है वो एक मीटर लंबा, 5 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा, ऐसे नहीं मापते, उनका अलग माप है। प्लॉटिंग करते हैं तो वो गज में मापते हैं, मकान की जो लंबाई चौड़ाई, कमरे की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करते हैं तो वो पिठ में मापते हैं, किसमें मापेंगे, पिठ में मापेंगे। चले तो ये भी देख लेते हैं हम, लगे हाथ यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। और देखिए विद्यार्थियों, आपको समझना ही है, आपको इसको रटना नहीं है, समझते हुए याद करना है। देखो जो समझते हुए याद कर लेगा उसी को ही समझदार कहेंगे, उसी को ही होशियार कहेंगे, क्लियर। चलिए मैं कुछ अन्य मात्रकों की यहां पर चर्चा करता हूं। हमारे पास में है पिट, एक जो पिट होता है उसमें 12 इंच होते हैं, कितने इंच होते हैं, और एक जो इंच होता है वो 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। एक इंच में कितने सेंटीमीटर होंगे, 2.54 सेंटीमीटर, तो एक पिट के अंदर सेंटीमीटर कितने आ जाएंगे, 12 × 2.54 बराबर आ गया ये 30.48 सेंटीमीटर। तो एक पिट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 30.48 सेंटीमीटर होते हैं, 12 इंच होते हैं, क्लियर, ये समझ में आ जाना चाहिए।
थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। गज, एक जो गज होता है उसमें तीन पिट होते हैं, एक गज के अंदर कितना होता है, तीन पिट, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो इसको गुणा कर लीजिए तो 91 पॉइंट कितना आ जाएगा, 91 पॉइंट कितना आ गया, 6 निकाल लीजिए ना, 4 सेंटीमीटर ये आ गया हमारे पास में, मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.9144 मीटर आ गया। क्लियर, मैं बात यहां पर करूं कि एक मील, डिस्टेंस को मील में भी मापते हैं, 1609 मीटर के इक्वल होती है, 1760 गज के बराबर 1609 मीटर के इक्वल होती है, गज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये लंबाई के कुछ विभिन्न मात्रक हमने बताए जिसको आप आसानी से एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं, इजी तरीके से कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, दूसरा वाला मात्रक लेते हैं, दूसरा मात्रक कौन सा लेंगे, अब लेंगे हम द्रव्यमान। विद्यार्थियों, द्रव्यमान का मापन, द्रव्यमान एक मूल भौतिक राशि है और इसका जो मात्रक है वो हमने स्टैंडर्ड जो मात्रक है, मूल मात्रक है, वो हमने किलोग्राम पढ़ लिया है। इसके अलावा भी कुछ मात्रक हम पढ़ेंगे, कुछ मात्रक यूज में आते हैं वो हम देखेंगे। कौन कौन से मात्रक होते हैं, एक वृद्ध मात्रक होता है बड़ा द्रव्यमान का मापन करने के लिए, चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर इकाई, ये सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना होता है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना चंद्रशेखर इकाई के इक्वल होगा। देखिए क्या होता है, पहला जो मात्रक मैं आपको बता रहा हूं वो है चंद्रशेखर इकाई, चंद्रशेखर इकाई CSU, चंद्रशेखर यूनिट। देखो यह है सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना। अब बात आती है कि भाई सूर्य का द्रव्यमान होता कितना है, तो वो होता है 2×10^30 किलोग्राम, देन फाइनली कितना आ जाएगा, 2.8×10^30 किलोग्राम। तो चंद्रशेखर इकाई किसके इक्वल होती है, 2.8×10^30 किलोग्राम के इक्वल होती है। ठीक है, मैं कुछ अन्य मात्रकों की यहां पर बात करता हूं, जैसे 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम किसके तुल्य होता है, 1000 ग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम किसके तुल्य होता है, 1000 ग्राम, इसको आप 10^3 ग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करता हूं मिलीग्राम, तो 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, क्या होगा, 10^3 मिलीग्राम, ये हो गया 10^6 मिलीग्राम। तो 1 किलोग्राम में 10^6 मिलीग्राम होते हैं। क्लियर, मैं कुछ ये दूसरा मात्रक पाउंड, पाउंड और पौंड में अंतर है, पाउंड, तो एक जो पाउंड होता है वो 454 ग्राम के इक्वल होता है, 454 ग्राम के इक्वल होता है। एक पाउंड में कितने ग्राम होते हैं, 454 ग्राम होंगे। मैं एक अन्य मात्रक और काफी महत्वपूर्ण द्रव्यमान का जो मात्रक है उसकी यहां पर अब चर्चा करता हूं। देखिए क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, अगला जो मात्रक है वो क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, क्या कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट, और एटॉमिक मास यूनिट को हम AMU से, किससे शॉर्ट में इसको किससे पुट कर देते हैं, AMU से, सिर्फ U से भी कर देते हैं, AMU या U दोनों में से एक से कर देंगे। अब ये होता क्या है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, कार्बन 12 के द्रव्यमान का जो 12वां हिस्सा है वो एक एटॉमिक मास यूनिट की इक्वल होता है, सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करता है। तो देखिए क्या है, मैं यहां पर सीधा
एक एएमयू किसके तुल्य होगा? एक एएमयू बराबर होता है कार्बन जो 12 होता है, ये कार्बन का प्रतीक चिन्ह है, परमाणु क्रमांक 6, द्रव्यमान संख्या 12, कार्बन 12 है का द्रव्यमान, और उसमें हम किसका भाग लगा दें, 12 का यदि हम भाग लगा देते हैं, किसका भाग लगा दें, 12 का भाग लगा दें, तो हमें परमाणु द्रव्यमान मात्रक एटॉमिक मास यूनिट मिल जाएगा, और ये बराबर होता है 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम के, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अति सूक्ष्म द्रव्यमान का मापन करने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट को प्रयोग में लेते हैं, यूज में लेते हैं। जैसे हम नाभिक के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो इसका काफी वृद्ध यूज होता है, बार बार ये यूज में आता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, दिमाग में रखना है। मैं बात करता हूं इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम होता, बट इसको एटॉमिक मास यूनिट में जब हम पुट करेंगे तो 0.00054 एटॉमिक मास यूनिट होता है। क्लियर? मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन के द्रव्यमान की यदि हम बात करें, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। मैं बात करता हूं मास ऑफ न्यूट्रॉन, देन 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसी तरीके से मास ऑफ हाइड्रोजन परमाणु भी 1.00782 एटॉमिक मास यूनिट होता है। हालांकि आपको ये आंकड़े मैंने बताए हैं, याद रखने की विशेष आवश्यकता नहीं है, फिर आगे चलकर याद तो रखना ही है, 12th का जब हम सिलेबस पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स जब हम पढ़ेंगे, देन तब इसको आपको बताएंगे, तब आपको याद रखने, ठीक है। तो ये है एटॉमिक मास यूनिट, आपको ये इसकी जो वैल्यू है वो ध्यान में रखनी है, 1.66 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। अब विद्यार्थियों हम थोड़ी सी बात करते हैं मैट्रिक टन, तो एक जो मैट्रिक टन होता है, मैट्रिक टन कह दीजिए या सिर्फ उसको टन भी कह देते हैं कई बार, ये 10 क्विंटल के बराबर होता है, इसके इक्वल होता है 10 क्विंटल के, और एक जो क्विंटल होता है उसमें कितने किलोग्राम होते हैं, 100 किलोग्राम होते हैं, तो एक मैट्रिक टन के अंदर कितने किलोग्राम हो जाएंगे, 1000 किलोग्राम हो जाएंगे, कितने किलोग्राम होंगे, 1000 किलोग्राम होंगे। तो ये तो कौन सा आ गया, द्रव्यमान का मापन हमने कर लिया। अब अंत में हम चलते हैं समय के मापन की ओर, तो मात्रक का जो टॉपिक है उसके अंतिम दौर में हम हैं, इसके तत्पश्चात हम पढ़ेंगे विमाएं, तो विमाओं को भी हम एक वीडियो में, दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो के अंतिम दौर में हम पहुंच गए हैं समय के मापन के बारे में, हम थोड़ा सा देख लेते हैं। विद्यार्थियों अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समय के मापन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। समय एक मूल भौतिक राशि है और उसका जो मूल मात्रक होता है वो सेकेंड होता है। सेकेंड के अलावा हम कुछ अन्य मात्रक हम यूज में लेंगे, उन मात्रकों की अब हम यहां पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम घंटे का प्रयोग करते हैं, एक घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं और एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, तत्पश्चात एक घंटे के अंदर कितने सेकंड हो गए, 3600 सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, ये आप जानते हैं। हम सामान्यतः सप्ताह की बात करते हैं तो 7 दिन होते हैं, महीने की बात करते हैं तो 30 दिन होते हैं, वर्ष की बात करते हैं तो हम 365 दिन ले लेते हैं, और दिन की बात करते हैं तो उसमें 24 घंटे ले लेते हैं। ये सामान्य तौर पर लिया जाने वाला समय होता है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, पखवाड़े में 15 दिन होते हैं, महीने में 30 दिन लेंगे और एक वर्ष में 365 दिन लेते हैं। ये तो आपको आ गया समझ में। कुछ हम छोटे मात्रकों की बात करें, जैसे हम बात करें मिली सेकेंड, तो एक जो मिली सेकेंड होता है वो 10⁻³ सेकेंड के इक्वल होता है। एक मिली सेकेंड इसके इक्वल होगा 10⁻³ सेकेंड। मैं यहां पर इस तरीके से पुट कर देता हूं, एक सेकेंड में 10³ मिली सेकेंड होते हैं, 10³ मिली सेकेंड होते हैं, क्योंकि एक जो मिली सेकेंड है ना, एक जो मिली सेकेंड है वो 10³ सेकेंड है, तो ये 10 मिली का मतलब 10³ 3, 10³ 3 प्लस 3 से कट जाएगा तो एक सेकेंड के इक्वल आ जाएगा। क्लियर? माइक्रो सेकेंड, तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ माइक्रो सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, अरे ठीक है ना,
ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नैनो सेकंड, तो 10 की घात नैनो सेकंड का मतलब देखो, एक नैनो सेकंड का मतलब तो क्या है, एक नैनो सेकंड बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 सेकंड के, ठीक है ना। और एक सेकंड में कितने नैनो सेकंड होते हैं, 10 की घात 9 नैनो सेकंड होते हैं, क्लियर। पिको सेकंड का मतलब 10 की घात माइनस 12 सेकंड, और एक सेकंड में 10 की घात 12 पिको सेकंड होते हैं, क्लियर। एक और मात्रक देखें, एक सेक बराबर होता है 10 की घात माइनस 8 सेकंड के, ये तो आप ध्यान रख लो, एक सेक किसके तुल्य है, 10 की घात माइनस 8 सेकंड के इक्वल है, ठीक है। अब हम कुछ ऐसे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे बहुत सारी ऐसी राशियां हैं उसके बारे में आपने पढ़ लिया, पहले ही जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, उनके बारे में एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। जैसे हम बात करेंगे अब यहां पर सौर दिवस, जो सौर दिवस है वो किसके इक्वल होता है, सेड्रियल दिवस किसके इक्वल होता है, वर्ष क्या होता है और चंद्रमास क्या होता है, चार बातों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी चीजें के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, एक वर्ष, तो देखो एक वर्ष क्या होता है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगा समय, पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ध्रुव वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, और एक वर्ष किसके तुल्य होता है, पूरा एक चक्कर लगाने में लगा समय, और वो समय होता है 365.25 दिन होता है, ठीक है ना। दिन को आप किसमें लिख दो, 24 घंटे, घंटे को 36 सेकंड से गुणा कर दें, तो आप जब गुणा करेंगे तो आपके पास में 3.156 × 10⁻⁷ सेकंड आएगा। तो ये है एक वर्ष के इक्वल, एक वर्ष की डेफिनेशन क्या है, पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय, तो एक वर्ष के इक्वल होता है, ठीक है। हम कहीं 365 क्यों लेते हैं, क्योंकि 2-5 दिन को हम काउंट नहीं करते, हालांकि चक्कर लगाने में इतना ही समय लगता है, ये 2.25 ये चार सालों में इकट्ठा होकर लीप ईयर बन जाता है, 366 वाला दिन आ जाता है, 366 दिन भी होते हैं लीप ईयर में, तो ये 2.25 दिन एक साल में से बचता है, फिर दूसरे साल में से 0.25, फिर तीसरे साल में से 0.25, चौथे साल में मिलाकर हम 366 दिन कर देते हैं, इसी वजह से ही तो होता है, ये 0.25 दिन बच रहे हैं ना, इस वजह से ही तो हर चौथी साल में क्या आ जाता है, लीप ईयर आ जाता है, ठीक है। अब मैं यहां पर बात करूं एक चंद्रमास की, वैसे मास का मतलब क्या होता है, महीना, महीने का मतलब है 30 दिन, लेकिन चंद्रमास का मतलब है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में लगा समय। हम जानते हैं कि उपग्रह होते हैं वो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है और वो 27.3 दिन में चक्कर लगाता है और उसी को हम चंद्रमास कहते हैं, उसी को क्या कहा जाता है, चंद्रमास कहा जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर हम थोड़ा सा और बात आगे बढ़ते हैं, सौर दिवस, सौर दिवस क्या चीज है, दिवस का मतलब होता है दिन, सौर दिवस, एक एक करके इन चीजों को समझते भी जाना है। सौर दिवस सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी क्या है, घूर्णन गति करती है, स्वयं के अक्ष पर घूर्णन गति करती है, और हम ये पढ़ते हैं कि वह 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है वो तो एक वर्ष में लगाती है, स्वयं के स्थान पर भी घूर्णन गति करती है, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, तो वो 24 घंटे में हम पढ़ते आए हैं, कितने घंटे में पढ़ते आए हैं, तो सूर्य के सापेक्ष भी चक्कर लगाएं, किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन में लिया गया समय, एक घूर्णन में लिया गया समय, लिया गया जो समय होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक सौर दिवस, और एक सौर दिवस 24 घंटे के बराबर होता है, एक सौर दिवस किसके इक्वल है विद्यार्थियों, 24 घंटे के तुल्य है। सेड्रियल दिवस ये एक नया है, ये देख लीजिए, सेड्रियल दिवस, दिवस का मतलब दिन ही है, तो सेड्रियल दिवस क्या है कि पृथ्वी यदि किसी दूसरे ग्रह के सापेक्ष या दूसरे पिंड के सापेक्ष सूर्य के मतलब अपनी स्वयं के अक्ष पर एक पूरा चक्कर लगाती है ना, तो उसमें जो समय है वो सौर दिवस से थोड़ा कम लगता है, 4 मिनट कम होता है, सिड्रिल दिवस
सौर दिवस से 4 मिनट छोटा होता है, ठीक है। तो ये जो सिडिल दिवस है वो 23 घंटे 56 मिनट का होता है। डेफिनेशन क्या है वो समझ लीजिए, किसी अन्य पिंड या ग्रह के सापेक्ष सापेक्ष पृथ्वी द्वारा एक घूर्णन में, पूरा एक चक्कर लगाने में, सिर्फ घूर्णन गति करने में, घूर्णन में लिया गया समय, लिया गया जो समय है वो किसके तुल्य होगा, एक सेड्रियल दिवस कहलाता है। वो एक जो सेड्रियल दिवस होता है वो किसके बराबर होगा, एक सेड्रियल दिवस बराबर होगा 23 घंटे और 56 मिनट के इक्वल होगा। इसका मतलब हो गया कि ये इसमें क्या है 24 घंटे। तो सौर दिवस 4 मिनट बड़ा होता है, सेड्रियल दिवस सौर दिवस से 4 मिनट छोटा होता है। तो ये था समय का मापन, हमने विभिन्न मात्रकों की आपके सामने यहां पर चर्चा की, डिटेल से समझाया, अच्छे से समझाया। जल्द ही हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर लौटेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।